वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। बहुत सारी प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी की बिना पर नहीं बल्कि इश्तहारबाजी की बिना पर बिकती हैं और उन प्रोडक्ट्स में सियासतदान भी शामिल हैं। वैसे आज तक ना तो कोई शैम्पू किसी का गंजापन रोक पाया है और ना ही कोई सियासी जमात अपने मंशूर पर पूरा उतरी है, मगर इसके बावजूद भी लोग एतबार करते हैं। एडवर्टाइजमेंट कितनी ज़रूरी है कि कुछ लीडरान तो पब्लिक टॉयलेट्स पर भी अपनी तस्वीर लगवाने का मौका ज़ाया नहीं होने देते। एक 30-40 सेकेंड्स की एड के पीछे कितनी सारी मेहनत और कितने सारे क्रिएटिव माइंड्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए। ठीक हो? जी, आप ठीक है? पढ़े तो पूरा उर्दू से? यस, इनायत मौसीकार फंड। हाँ जी। लेकिन ये IMF का पर्पस क्या है? ऐसी अपनी कौम ता बरादरी नु कर्जे देते है। अच्छा। ताकि ये लोकी सानू को माड़ी नजर ना देखने भी ये खान साहब लोग ता हुंदे ही माड़े है। हाँ जी, सानू कभी भी कर्जा नहीं मिलिया, असि इसलिए अपनी बरादरी ना उच्चे लेवल ते लेके जाना चाहते हैं। अगर फर्ज कर खुदा ना खासा किसी का घर मर्ग हो जाती तो रोन वाले नहीं गए। अगर अपना कोई गाना कोई जिंगल बनवाना चाहती है अपनी पार्टी का उसी बना के देंगे। नहीं तुहानू ढोलां वाले चाहिए असीं देंगे, तुहानू वेटर चाहिए असीं देंगे, अगर वड्डी ईद ते तुहानू बकरे नहीं लभ रहे ते असीं देंगे, अगर तुहाडे घर चूहा वड़ गया असीं फड़न वाली बिल्ली तुहानू असीं देंगे, बकरा तुहाडे कोल आ कसाई नहीं लभदा ओह असीं देंगे। वाओ, मल्टी होम सर्विस भी असीं दे रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत अमेजिंग है, मतलब इस तरह का आइडिया मैंने कभी पहले सुना नहीं है कहीं। मैं कहना भी तुसी आए IMF से पहली बारी हो, ऐ जड़े थोड़े सामने बंदे बैठे हैं। साडे कोल वो कॉमेडियन भी है ने जड़ी लंबी गल करके तुहानू सवाल भी देंगे। हाँ जी हाँ जी, ऐ जड़े दो करैक्टर बैठे है, ऐ काकी ता मुंडा, ए एडे टैलेंटेड आ, IMF ने इन्हां नू मौका दिता, ऐ कुड़ी सरिया काकड़, ओ मुंडा रफीक रफी, काका गो लक्षण आंडे पुत पार्टियां ने साडे सिर ते चढ़ देना। ऐसा बनाया खान साहब के रूह लग जाएगा। पर रूह लग जाएगी, अगर पुत्र सही ना बनया ते तेरी रूह उड़ जाएगी। तेन पता तेरी रूह उड़न नू किन्ना टाइम लैंदी है? सानू मेरे ख्याल कोई 4 दिन नजर आंदी रहनी है, ओ जा रही है। सरिया ककड़े ओए सुनाओ, सुनांदे क्यों नहीं? लो जी जस्ट खान साहब सुना के जाना, सुना के। ओ अगला ओ महंगाई नू या फिर ऐसे भाई नू गरीबा वल जो वेखे ना वेखे स्टैंडर्ड है ही नू, चोर लुटेरे डाकू ने फेर दे सब नू चाकू ने, टोटे मुल्क दे कर दा जो पढ़िए उस कसाई नू, डरो न किसे तो तुसी ओ सारे ओ रल के रश पाइए। फिकर गरीबा दी बड़ा महंगा ऑडियो विजुअल्स बहुत जड़ा हार शरीफा दी कितने आए उस खान नू जितवा के हुण अगे ले आइए। गुड जॉब, आप बहुत अच्छी टीम है। खत्ते चक तक नहीं यार, बाकी चीजें तू देखे नहीं स्टोरेज पे ही हैं। बेटा तुसी जाओ दफ्तर बैठो, एक PDM दा ना वर्कर आ रहा है जी, उन्होंने गीत बनाना है और उन तैयारी करो। आओ जाओ खान साहब, आओ करेले गोश्त बने जाओ खाओ जाके। अच्छा, कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? सानू विन्ना जी हो गए ने कोई 5 साल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, की हाल है? की हाल है जी? आओ बैठो, आओ बैठो, तशरीफ रखो। ये कोई तकलीफ से लग रही है मेनू? जनाजा धूम धाम मैं अगले कहे जनाजा नहीं बरात जा रही
जनाजे के लिए लोग भी प्रोवाइड करते हैं। देखो मैं तो दस्या थे सड़क हर फन मौला कम। और मेरी इज्जत तो आधे हाथ ही चाहिए गीजे। मैं रोना नहीं है औरता चाहिए दिया। मेरे सोने का जनाजा शान ना लूटना चाहिए दे। बहन मेरी टेंशन ना ले जेड़ा सड़क को ग्रुप पे ना उसे ऐंदा वैन पाएगा लगेगा आठ नौ जनाजे उठे ने। जेड़िया असी उ रोन ली औरता भेजनिया ना जी उन्होंने यहो जे वैन पाने हैं जेडे थोड़े आंढ़ी गुआढ़ी लोग है ना उन्होंने दिल कर ला पड़ा साढ़े घर च घुमा उतो जी। मैं तो कहनी अल्लाह मेरे वीरां दा भला करे इन्होंने मेरी परेशानी अद्धी करती है। लेकिन जिस तरह से आप झूठा जनाजा एलैबोरेट करवा रही है ना दैट इज रिडिकुलस। आप अपना हेलो एलैबोरेट अपना सरैया ग्रुप लैके अंदर आ बाजी साढ़ा थोड़ा ना बजट ज्यादा है पैसों की परवाह ना करो बस मेरे सोहरे का जनाजा धूम धाम ना लुटना चाहिए। इस गल की तुम परवाह ना करो। मैं क्या भाजी कोई सैंपल बहा दियो सारा पता लग जाएगा मेनू। लाश भेजो पहले यार। नहीं 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 लाश तो साड़ी अपनी है। भाजी लाश पई होएगी और रोणगे तुसी इंजी समझ तुहाड़ा सौरा मरिया पिया है। कोई चीज ऐसी भी है जो आपके पास ना हो। हमारे पास सौ का चेंज भी है लेना आपने। तुम पहले की क्या हर मर्ज का इलाज है थे ए मुर्दा ए लाश है समझ लो कि तुहाड़ा सौरा है ए क्या व्हाट इज दिस। देखो ना आपे उन पता है कि सज्जे पासे मुंह हुंदा है कर लिया उन्हें। सो रियल कहिंदा सी मैं तेनू छड्ड के चले जाना चला गया पा दित्ती बैठो बैठो बैठ के बैठ के बैठ के जरा बनाया पर मैं कल्ला ही कीता जनाजा चुक के जा रहे ने जरा चुक देख लिया तुसी ए जनाजा कब्रिस्तान तक छड़ के आणगे। इनकी परफॉर्मेंस तो असली रिश्तेदारों से भी ज्यादा। बाहर तुसी दफ्तर पैसे जमा करा दो ठीक है इन्हां दा ग्रुप गड्डी तुहाडे नाल जांदी है ले जाओ इन्हां नूं। लो जी अल्लाह मियां तुहाडा दफ्तर चलदा रहे साडी मुश्किल हल कीती है। बेस्ट ऑफ लक जी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वैसे लोगों को घेरने का सही हुनर आता है आप दोनों को। नहीं एक मिनट ठहरो जो सी किया सी क्या परफॉर्मेंस तुसी ओ नहीं देखी। नहीं माइंड ब्लोइंग। साडे कोल तो हर चीज हैगी टेंशन दी गल ही कोई नहीं। जिस फनकार नु जिस आर्टिस्ट नु कहोगे साडे कोल बाउंड ने। अच्छा जी साडे कोल मायरा खान बाउंड हैगी। अच्छा जी मैं वैसे याद ठीक वीना मलक। अच्छा जी इकराज अजीज सैमा खान। अगर बजट तू कीता घट जी साडे कोल ओ भी फनकार मौजूद ने जी। हां जी सिदरा नूर जी माई खान हीर जट आ ए मतलब तुहानू झगड़े लई भी औरतां अगर चाहीदियां ते ओ साडे कोल मौजूद ने। देखो जी गल सुनो कि पैसे दी तुसी टेंशन नहीं लैनी। आपका प्रोडक्ट क्या है किस चीज की एड बनवा रहे जी। मैं एक फकी बनाई है जी। फकी दी एड जी जी जिहड़ी तुहाडी एड है ना ए अजर रंगीले कोल करा ली है। ओहो जनाब क्योंकि एडी सस्ती एड ओ कर सकदा है ते दूसरी की है जी तुहाडी एड जी। मैं क्रीम बनाई है। हां 54 साल दी औरत जदों क्रीम मुंह ते मलेगी ना। अच्छा जी ओ 16 साल दी हो जाएगी। जिहड़ी क्रीम तुसी बनाई है तुसी आप क्यों नहीं लाउंदे। देखो जी मैं ते अजे लाई नहीं। अच्छा तुसी लाणा भी ना क्योंकि तुसी अगर 35-40 साल थले गए ना तो तुसी एडे कर जाने। साढ़े कोल एक मॉडल है जी जी जिहड़ी तुहाडे दोवें ऐड कर देगी। वेरी गुड इन हाउस मॉडल्स भी अवेलेबल हैं। अपना मॉडल शफकत नु भेजो जी ओदे काम च तुहानू शफकत नजर आएगी। हां जी अच्छा 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 आई मीन व्हाट इज दिस। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है। वालेकुम सलाम। ए जी साडी मॉडल है। मर्द भी बन जाएगा औरत भी बन जाएगा।
ਨਾ ਸਾਂਚੀ ਫੱਕੀ ਦੀ ਐਡ ਹੈਗੀ ਫੱਕੀ ਕੀ ਫੱਕੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਧਰ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਫੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਡ ਇਹਦੀ ਐਡ ਓਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਫੱਕੀ ਕਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਫੀਕ ਕੀ ਫੱਕੀ ਸ਼ਫੀਕ ਕੀ ਫੱਕੀ ਹਾਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਨਾ ਕੱਚੀ ਨਾ ਪੱਕੀ ਸ਼ਫੀਕ ਕੀ ਫੱਕੀ ਆਪਕੇ ਲਈ ਆਪਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਾ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲ ਖਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਫੀਕ ਕੀ ਫੱਕੀ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਸ਼ਫੀਕ ਕੀ ਫੱਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਡੱਬੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਐਡ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੀਮ ਹੈਗੀ ਓਕੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਲੈ ਕਰੀਮ ਫੜ ਲੈ ਲਾਈਏ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੋ ਕਰੀਮ 70 ਸਾਲ ਕੀ ਔਰਤ ਲਗਾਏ ਤੋ 50 ਕੀ ਬਣ ਜਾਏ 50 ਕੀ ਲਗਾਏ ਤੋ 20 ਕੀ 20 ਕੀ ਲਗਾਏ ਤੋ 12 ਕੀ 12 ਕੀ ਲਗਾਏ ਤੋ ਉਂਝ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੁੱਧ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਲਾਈ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸਰਦੀ ਪੌਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਂਚੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾਰਮਲੀ ਕਮਰਸ਼ਲਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਤਨੇ ਦਿਨੋਂ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਤੀ ਹੈ ਮਗਰ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਤੋ ਮਿੰਟੋਂ ਮੇ ਦੋ ਕਮਰਸ਼ਲਸ ਕਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਠ ਕਾਸਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪੜੇ ਜਨਾਬ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ 50 ਲੱਖ ਜੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 25,000 ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਵਾਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜਕ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝੋ ਬਲੈਤ ਭਾਈ ਬਈ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਇਤਨਾ ਸਾ ਹਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਂਚੀ ਇਧਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਬੈਗ ਧੋ ਪੈਸੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਧਰ ਨਾਲ ਭੇਜਤਾ ਜੇ ਆਈ ਕਾਸਮ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਲਿਟਰਲੀ ਮਿੰਟਿੰਗ ਮਨੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਵਰਸਾ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਕੀ ਆਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਇੰਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਪਾਜੀ ਆਂਦਾ ਅਨਰੈਨ ਅਨਰੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਾਰੈਨ ਔਰ ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਪਰੀ ਕੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਟੂ ਅਬ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੇ ਨਯਾ ਅਹੁਦਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾ ਤੋ ਮੈਂ ਭੂਖਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਅਗਰ ਵਿਲਾਇਤ ਭਾਈ ਅਹੁਦੇ ਕਾ ਭੂਖਾ ਹੋਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਔਰ ਕਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਬ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਹੱਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੰਗਨੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਛੀਨਨਾ ਪੜਤਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਕੀਆ ਪੀਐਸਐਲ ਕਾ ਪੀਐਸਐਲ ਜੋ ਹੈ ਪੀਐਸਐਲ ਆਪ ਪੀਐਸਐਲ ਕੇ ਲਈ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਸ ਭਾਈ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਮੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੈਲੈਂਟ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਡਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਬ ਜਦ ਸੁਣਾਂਗਾ ਪਤਾ ਚਾਹੇਗਾ ਡਮੀ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ 뮤직 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਮੀ ਓਏ ਆ ਜੀ ਆ ਜੀ ਲਾ ਬੇਲੀ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਹੈ ਵਾ ਇਹ 뮤지션 ਹੈ ਆਪਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ 뮤지션 ਨੇ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਅਸਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਬਾਸ ਬਾਸ ਬੈਠੋ 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 ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ ਵਾ ਵਾ ਆਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆਓ ਸਿੰਗਿੰਗ ਡੈਬਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਨਸਰਟਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਲਾਈਕ ਸਿੰਗਰਸ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਬਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤ ਹੈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਰੇ ਔਰਤ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਫੋਰਐਵਰ ਐਂਗਰੀ ਮੈਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਣਾ ਬਣਾਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਏਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਦੋ ਬੰਦੋਂ ਕੇ ਇਹ ਲਗਾ ਮਿਲਾ ਇੱਕ ਐਂਗਰੀ ਮੈਂ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਾ ਔਰ ਇੱਕ ਐਂਗਰੀ ਮੈਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਾਜ਼ ਲਤੀਫ ਬੋਲਦੀ ਲੈ ਛੱਡ ਦੋ ਕੀ ਗੱਲ ਨਸਵਾਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਕਾ ਜਾ ਕਿਆ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰੋ ਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੀ ਸਾਹ ਦੀ ਕੁਸੂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਏ ਅੱਛਾ ਸੋ ਟਾਈਮ ਲੈ ਵਿਲਾ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਤੈ ਕਲੋ ਪੈ ਇਹ ਨਾ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆ ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਲੋ ਭਾਈ ਵਿਲਾ ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੱਲ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗਾਣ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈ 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 ਆਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਪੀਐਸ ਮੁੰਨਾ ਬਬਲੀ ਗੁੜੀਆ ਗੁੱਡੂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਖੇਲ ਅਸ ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਤ ਪੈ ਜਬ ਆਗਾ ਮੁਝੇ ਬੇਸੀ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਤਾਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੁਝ ਪੇ ਜੱਸੀ ਕੁਰਸੀ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਆਨੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚੀ
पीता मैंने दी है कुबानी खाता नहीं मैं गुटका खाता हूँ हमेशा जानी ऐसा घटिया गाना असी जिंदगी च अज तक नहीं सुना अल्लाह की कसम एडा बुरा लगा तेरे मुंह चो ऐसा बुरा गाना जेड़ा के खानदान दे खानदान नु जड़ ना लानत पाने हो जे गाने ते अबे मैं बड़ा गाया तेरे से मैं गायो बड़ा फैल मैं इस गल तो तुम्हें मना कर रहा कि राशिद भाई ना छेड़ो राशिद ने दूजे एंड ते खान साहब फड़ लेने जिथे मशहूरियां मशारियां बनदियां गाने गुने बनते हैं जी 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 देखो जी गाने बना रहे हैं कोई दस पंद्रह दस पंद्रह हाँ जी दस पंद्रह गाने बनाने फिल्म बना रहे जी नहीं जी नहीं फिल्म ड्रामे ना साडा कोई तल्लक नहीं जी असि तेरा दुश्मनदार आदमी है ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਗਾਣਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਭਾਈ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੂਨ ਲੀ ਗਏ ਆ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਿਆ ਕਰੋ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀਆਂ ਚ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਬਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਦੋ ਜਲਸੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਲਸੇ ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ ਏ ਇਹ ਸੈਡਾਂ ਲਈ ਕਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਨ ਉਸ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸੁਲਾ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਹਫਤੇ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਓ ਜੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ ਅੱਛਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਜਬ ਆਪ ਗਾਣਾ ਬਣਾਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਨਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਣਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ ਗਾਣ ਵਾਲੇ मियां साहब आ रहे ने लो जी जास्ते जी बिस्मिल्ला हां जी ओ खुशियां दा बन के सवेर आवेगा मैं पूछ रहा कौन नहीं अपने म्यूजिशियन ने अच्छा 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 शुरू करो जी ओ खुशियां दा बन के सवेर आवेगा शेर एक बारी ते फेर आवेगा शेर ते लगता बकरी दे वीजे ते आया क्या बात है जी के शेर आवेगा मैं चाहना के इथे ही हुण इथे विच ही इमरान खान साहब आन बैठे बैठे पार्टी बदल ली आपने नहीं जी पार्टी नहीं बदली जी मैं कहना के जरा चेक हो जावे क्योंकि पैसे देने ने ते गाना सी अपनी मर्जी दा बनाउणा है कोई गल नहीं असी बना देंगे इहदे च मुड़ो खान पाओ जल्दी खान पाओ इहदे च पा ले ओ छुट्टियां ली बन के हनेर आवेगा इमरान ते इक वारी फेर आवेगा इमरान इक वारी ते फेर मेरे भाईओ ए विच होएगा गाने हो गए दो पैसे मैं एक ते दियांगा वो इस करके के एक ही गाने च मैं सिर्फ ना ही बदलाया मियां साहब नूं कढ के ते इमरान खान साहब नूं पाया छोटी गल है तू भाई मेरी गल सुन तू पैसे पावे ना दे अपना काम करवा ले छड्डो सारीयां गल्लां नूं सीधा मैनूं गाना बना दियो पीडीएम ते पीडीएम मेरा मूड बदल गया मैडम जी पता नहीं किन्ने टिकट देना है किन्ने नहीं देना मैं कहना सारीयां दा ही गाना बना पता नहीं किन्ने टिकट देना किन्ने नहीं देना किन्ने जीना किन्ने मरना अब बनांदे क्यों नहीं मरने हो अन्नी दे बचियो ए दुश्मनदार बंदा है किसी टाइम पुत्र फायरिंग हो सकदी जो कहंदे फटाफट बना सुनाओ PDM nu vote tu pa saadi farmesh te PDM nu vote tu pa saadi farmesh te is party nu jita saadi farmesh te todi oh kaka lalan teri zindagi de utte baaki sab bhag gaye jinko khatra hai wo yahi ghoom rahe hain ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਆਲਰਾਈਟ
चोर? मेरा पुछन ते कहना निकल गया सी। यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी। और आज हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प खबरें हैं। पहली खबर क्या है? पहले भी दिलचस्प होती है ना, पहले कदों खराब सुनाते हो? नहीं, आज की तो बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, आगे नालों भी? जी, खबर है कि वालिद को मोबाइल देना महंगा पड़ गया। 6 साल बेटे ने 2.5 लाख का खाना ऑर्डर कर दिया। है ना दिलचस्प? क्या बात, जड़ी सुना रही है उदा भी तो पता करो। हाँ वेखो, सह आता पैसु के नहीं। यह जी कुड़ी ने घर च धागे की पींग पाई। यह जी कुड़ी ने पूछो ना कि करनी की है, मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ। सवेरे उठ के वेखो ना, तो कॉटन बल लैके लगी होंगी। अच्छा, पखे तेज हवा हो ना, यह जी कुड़ी कम दिन बच जाती है। अच्छा जी, 2.5 लाख का ऑर्डर करता जी? की ऑर्डर बच्चे ने किया होगा 2.5 लाख का, ये दसो। आपको पता है ऑर्डर तो सारे आजकल ऑनलाइन होते हैं। बच्चे के हाथ में था मोबाइल, उसने ढेर सारा फूड, पिज्जाज, फ्रेंच फ्राइज और बहुत कुछ और ऑर्डर कर दिया। वाह। ना सिर्फ उस बच्चे ने $1,000 का खाना मंगवाया, बल्कि उसके पास अपने पर्सनल $115 थे। उसने सबको टिप्स भी दी। वेरी गुड, बहुत अच्छी यार। यानी कि 1 घंटे बाद उन्होंने घर के बाहर ट्राला लग गया। पिछू 8-9 बंदे उतरे ने, उन्होंने दरवाजा खोलिया तो पिज्जा ही उतरी जा रहे। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अच्छा, मैं तो गल की मेरा तुक्का बज गया। अच्छा, बच्चे के वालिद को तो तब पता चला जब उसने देखा कि डिलीवरी बॉयज उसके कार पोर्च में आ जा रहे हैं और बहुत सारे बॉक्सेस लेकर आ रहे हैं। ये तो एक बच्चे ने ऑर्डर किया था ना इंग्लैंड में, एक दफा एक तोते ने ऑर्डर कर दिया था। अल्लाह, वो मालिक ने ना लैपटॉप खुला था उसका और वो चला गया, और वॉइस असिस्टेंट जो है वो जो आपकी आवाज के साथ वो टाइप होता है, उसने तकरीबन $200-250 का ऑर्डर दे दिया। $200-250 का? उस वक्त मालिक ने किया, उन्हें चुप करके ऑर्डर रिसीव किया, तोते ने बिल्ली वाले पिंजरे पाते। आप ये देखें कि ये बच्चों को हम मोबाइल देते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि डेफिनेटली उसने गेम के लिए दी होगी, और सामने ऐप्स खुलती जाती होंगी, वो ऑर्डर देता जाता होगा। आजकल तो घरों में सब बच्चों के हाथ में मोबाइल्स होते हैं ना। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही कि वो बच्चा जिहड़ा जिन्हें किया ऑर्डर, मतलब पता नहीं लगा जिन्होंने ऑर्डर हो रहा है कौन कर रहा है एडा ऑर्डर। और सर, इतना ज्यादा ऑर्डर हो, वो कंफर्मेशन के लिए कॉल करते हैं जी। हाय हाय, 6 साल का बच्चा भी अमरीका का अकलमंद होता है, पागलो। साढ़े बच्चे मस्त ने। कंफर्मेशन की कॉल्स आती है रंगीला साहब टाइप लोगों को, जिनका पता होता है ना कभी पिज्जा खाया ना कभी देखा। वो उन बच्चों ने हमेशा पिज्जे खाए होंगे, उनका यार इधर से आता ही हो। अच्छा, यू आर राइट। ये मैंने रियलाइज किया है कि अगर आप पाकिस्तान से ऑनलाइन ऑर्डर करें ना, तो आपको डबल चेक करने के लिए कॉल्स आती हैं। जी जी। लेकिन आप बाहर कहीं पे हों तो आपको कॉल नहीं आती, क्योंकि आप लोग फ्रॉड ही इतना करते हैं कि आप लोगों के साथ होना चाहिए। नहीं, साढ़े तो इतने पहले ये चलता ना कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे तो अगर आप राइड बुक करवाते हैं ना, वो 4 दफा फोन करता है। हाँ। तो भाई जाना, आपने जाना है, लोकेशन ठीक है आपकी, क्योंकि वो बेचारे ऑब्वियसली उनको पैसे पड़ जाते हैं बाद में। इस बंदे ने परसों बस नू हाथ दिता, उन्हें बस रोक के कहा जाना है, कहता नहीं मैं चेक करना सी कि मेरे कहने बस रोक दी हो कि नहीं। ये उनकी मेहरबानी कि उन्होंने रोक ली। रुबिया पा, आज अपनी चूड़ियां सरदार भाई की वेस्टकोट से मैचिंग करके क्यों पहनी? ओह यस। अच्छा, सरदार साहब वैसे बहुत प्यारे लग रहे हैं, जो उन्होंने मैचिंग हो गई तो केड़ी पैड़ी गल। नहीं, पांच सरदार है नहीं प्यारे, अल्हम्दुलिल्लाह जो पांदे ने इन्होंने सूट करदा है। अच्छा, मैंने देखा है सरदार साहब बहुत वाइब्रेंट कलर्स पहनते हैं। इस कलर कौन से? वाइब्रेंट। वाइब्रेंट कहना जरूरी सी तो क्या कहूं? सीधा को मतलब दस दिया करो, सानू भी समझ आवे भाई इन्होंने इस तरह के कलर सूट करदे ने। आप सजेस्ट करें ना, सीधा क्या कहूं? तीखे कह दे, शोख कह दे। सरदार साहब आप बहुत शोख रंग पहनते हैं। हाय हाय हाय, क्यों इन्होंने इसे खुशी एक वेस्टकोट और उत्ते पा लेनी। अच्छा, सरदार साहब वर्गे जवाई ना सस भी कहने दिया है, मेरा जवाई चंगा है, दाल भी खा लेंदा। सरदार साहब आप हंस रहे हैं, कोई बात ही करें। फ्लॉप फिल्म है ना, फेल फिल्म। वो दे एंड ते है जब बंदा कहता हाँ सबको मैंने कत्ल किया। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग पे बड़ी मीम्स भी बनी होती हैं और कुछ सच भी होती हैं। कि ऑर्डर आपने कुछ किया होता है, मिलता आपको कुछ और है। बिल्कुल, साइज तो कन्फर्म छोटा निकलता है ना जी। बेशक, ऑनलाइन जड़ी चीज मंगाओ एक एक साइज छोटा जरूर निकलेगा। एक मैंने बड़ी दिलचस्प। अच्छा भाई, जदों कॉमेडी शुरू होती ना तो भाई गा 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 शुरू हो, पहले सुन लिया करो। नहीं, मेरी बात तो सुन ले। उन्होंने ऑर्डर किया बिल्ली का बच्चा, वो वापसी पे उनको ना चीते का बच्चा मिल गया। हाय। और वो 3 दिन उनके पास रहा, जब वो डॉक्टर के पास लेकर गए तो उसने बताया कि ये तो चीते का बच्चा। पहले उन्होंने डॉक्टर की उंगल खा दी खाऊ करके, फिर डॉक्टर को पता लग गया कि बिल्ली नहीं, ये चीते। और फिर वो वाइल्ड लाइफ वाले आ गए, वो लेकर अपने साथ। ऑब्वियसली बोला तो यही क्या होना भाई, खोदिया पहाड़ से निकलिया चीता। रंगीला साहब ने ऑनलाइन कुत्ता ऑर्डर किया, वो खोता दे गया। चले, फैमिली पूरी होगी उनकी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खबर है कि चोरों ने ज्वेलरी शॉप लूटने के लिए सुरंग खोदी। नाकामी पर
मालिक के नाम पर माफी का पैगाम लिख गए। I think they were sorry because they couldn't make it। हाँ, जाहिर सी बात है। सुरंग खोद के वो उस दुकान तक यूं करके पहुंचे हैं, उन्होंने देखा है कि यार नहीं तो उन्हें लिख के 15 feet long tunnel। ये इंडिया का वाकया होगा यकीनन। Exactly। भाई बहुत फिल्मी मुल्क है, इन्होंने देखी गुप्त, उससे पहले देखी शॉशैंक रिडेम्पशन। इन्होंने कोशिश की कि यार हम ऐसा कुछ करें, लेकिन फिटे मूव। अच्छा हाँ, फिर हीरोइक नोट सुरंग कड़ी उन्होंने अगो मैंने भी नहीं पता की है। एक्चुअली वो शॉप तक पहुंच गए टनल के जरिए से, फिर लेकिन वहां पर जो लॉकर लगा था ना, गैस कटर भी लेके गए थे, वो लॉकर उनसे नहीं खुला। जब चोरी भी नहीं कर सके, टनल भी खोदा, वहां पर उन्होंने नोट लिखा ओनर के लिए, वी आर सॉरी, और वहां से चले गए। की लेके गए? वी आर सॉरी, वी आर सॉरी। हां नहीं, थल्ले और भी लेके गए थे, उन्हें के कुछ सस्ता है लॉकर लाया, नहीं दिया मजाक है। यस, बनता तो यही था। नासिर साहब आपको याद होगा, हमने एक दफा, मैं चोर हूं आपको याद होगा। यार बात तो सुनो, बंदा है ना, करो, आपको याद होगा जब हम चोरी करने गए थे। ओए ओए, खान साहब भी एक घर चोरी करने गए थे, वो जाग पे रोन लग पया, कहंदा मैं सरप्राइज देना सी। वैसे हमारे पाकिस्तान में भी तो सुरंगें हैं। What you're talking about, Seven Sisters? जी। अटक और झालर रेलवे स्टेशन के दरमियान है, Seven Tunnels। Seven Sister? Yeah, they're called Seven Sisters। अच्छा, यहाँ तो आप क्या कह रहे, टनल कह रही है? Tunnels। टनल। और हिंदुस्तान में क्या कहते हैं? अबे कौन सी गुफा में घुसा हुआ वो? अच्छा ये टनल की गल तो सुन लें दियो। टनल। और सबके से हो जो बंदे देख को फड़ा होता है। जी। अभी मालिक ने जाकर पाजी वो हाथी को मेरी बेग तो वापस ला के दे। हाथी देना मुंह अद्धी विग अंदर होंगी, पता है पैसे पै गए। क्यों? क्यों? वो हाथी बेहोश हो गया सी अद्धी विग। एडी मैली विग, हुन पता नहीं केड़ा घटा चढ़िया ओदे से। बस सर्कस की जिंदगी भी बिना जी किड्डी मजेदार है। ओए होए यार, कैसे जदों पिंडां दे विच सर्कस लगदी सी, सरदार साहब की तैयारी करके बंदा जाता जी, तौबा तौबा, घरों बंजियां लैके जाना। सरदार साहब वर्गे सर्कस दे शेर नाल दे शेर नूं कहण दे हुंदे ने, यार मैं ते गिट्टे गोडे रह गए हां। ऐ पहलों ऐ वी मोटरसाइकिल चलाउंदे सी उधर रंगीला साहब मौत दे खूह च। अच्छा, एक दिन पता नहीं बहुते गेयर पै गया, खूह तो बाहर ही आ गया, खूह चो निकलिया ते मेन रोड ते आ गया, ते अन्नी दा बच्चा रुक नहीं रिहा, जाई जा रिहा है। अगली खबर सुनते हैं जी, क्या खबर है? खबर है कि चिड़ियाघर में ऑफिसर पिंजरे में बंद, चार बकरियां पकाकर खा गया। वो ते मैंने मैं समझा, पहली गलत बन रहा है, कहंदी खबर है कि चिड़िया घर में, मैंने घर किराए पे ले लिया। जदों ने चौथी बकरी खादी जाहरे ओदे फड़या गया होणा कि बकरियां कटण लग पईयां। नहीं, क्रिसमस पार्टी की उसने। ओ, बकरियां पकाई खाई, और मैक्सिको में हुआ ये वाकया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने एक ज़ेब्रा, उसको भी बेच डाला। जेड़ा तुहाडा रिसर्चर है, ਇਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਕਿਆ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਆਤੀ ਨਾ ਮੁਕਰੇ ਜੋ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਆਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ? ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੋਤੇ ਦੇ ਭਾਜ ਵਿਕਣਾ ਹੈ। ਐ ਖੋਤਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਲੀਕਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। आप लोगों का जानवरों के साथ कोई इंटरेस्टिंग एनकाउंटर हुआ हो? मेरे बचपन में। अच्छा। हाँ, चिनियोट में उदो मैंने घोड़े ने वड्या सी, 3 महीने मैं बीमार रही सा पूरे। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿਨੋੜ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਿਨੋੜ ਦੇ, ਇਹ ਚਿਨੋੜ ਚ ਵੱਡਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਆਪਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁਆ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾ ਵੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ, ਰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੈਬਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਪੋਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆ। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू मस्तियाँ वंस अगेन एवरीबॉडी। वैसे 24 घंटों में से आधे घंटे की एक्सरसाइज जो है ना, जिस्म को तंदुरुस्त और तमाना रखने के लिए काफी है, लेकिन आजकल जिस तरह के हालात से हमें लड़ना पड़ता है ना, लगता है कि पहलवान होना जरूरी है। बिल्कुल। वैसे जिम जाना बहुत अच्छी आदत है, जाना चाहिए, लेकिन ये सोच कर जाना कि आज मैं आर्नल्ड बनकर निकलूंगा, बहुत ज्यादती है। अच्छा, कुछ लोग इतनी बेरहमी से जिम करते हैं ना कि कट्स उनकी बॉडी की बजाय उनके मुंह पर बन जाते हैं। आप जिम जाएं भाई, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अपने मसल्स बनाए, ना कि मसाइल। वैसे तंदुरुस्त रहने के लिए जिम ज्यादा जरूरी है या अखाड़ा? मेरा ख्याल अपने घर जाना बेहतर है। बाकी पैसे भी दे के बंदा जिम जाके वजन उठा रहा हो फायदा? हाँ गलत है। जिम शिम मैं... हम अपने आप को जिम तक पहुंचने क्यों देते हैं? आप लोगों की बहस अगर खत्म हो गई हो तो इस सवाल का जवाब मेरा ख्याल है कि हमारे मेहमान बेहतर दे सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है ना, ओके उनसे पूछते हैं। वेलकम टू मस्तियां। बड़ी मेहरबानी वीना जी, तुसी मेनू इज्जत बख्शी है। ये वीना, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। चलो बेटी गल सुनो, शो तो हुंदा रहेगा, मैं तुहानू तुहाडे सवालां दे जवाब दिंदा रहांगा। जी है किसे दा बच्चा को आचा दा ते ऐलान करो। वीना मैं एक जिम है एप्स के नाम से। एप्स वहां पे मैं जिम में सारे एप टाइप के लोग आते हैं, तो उनको शेप में लाना पड़ता है। बाइसेप ट्राइसेप ये वो आपने। अच्छा मैं तो पहले भी किसी सियाने बंदे ने कहा सी कि जिदे नाल तू जा रहे हो पॉज नहीं लैंदा। देखो ना ए भलवानी को भलवानी है जी, भलवानी वीना जी वो हैगी है जेरी ग्राउंड रूट तो शुरू होवे। समझते पे हो जी? जेरी मिट्टी तो भलवानी शुरू होवे। बिल्कुल भाई जी, तुसी इत्थे हाथ रखिया कोई तुसी समझदार वाली गल नहीं करदी है। पहलवान जी, आप कोई अकैडमी खोल लेते, बच्चों को ट्रेन करते? आदि अकैडमीयां कूड़मीयां ते वेखो ना तेरे वर्गे बंदे खोलन वाला बूला वाले। साडियां अकैडमीयां कादियां बंदियां साडे खारे ही हुंदे ने। ए पहलवान नहीं है, इन्हां नूं तुसी कह सकदे हो गोली पहलवान। पहलवान जी, जब आप प्रैक्टिस किया करते थे, जब आप यंग थे, आपके खाने में क्या शामिल था? दूध, बादाम, ये सब चीजें खाते थे ना आप? सारियां चीजा तो आजकल दे बच्चे नु नफरत हो गई है। हां हां, और किसे बच्चे नु किए क्यों खाला कहता मुझे इसमें से स्मेल आती है। हाय हाय हाय, किसे नु किए दूध पी ले कहता मुझे इससे एलर्जी है। हां, किसे नु किए दही खाला कहता मुझे इससे डर लगता है। इना बच्चे नु कोई योगर्ट खाने ही खा जांदे नहीं, कहिए मिल्क पीना ही पी जांदे नहीं। हां, ओए बच्चे तगड़े नहीं हो सकते, साडे दौर च जेरे लोग सन आज भी तगड़े ने लग। ओ बाबा जी, सीधी बात बताओ, सब्स्टिट्यूट भी कोई चीज होती है, प्रोटीन्स आते हैं, शेक्स आते हैं, वो करना होता है अपनी डाइट के अंदर, आपने चीजें ऐड करनी होती है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। ये थोड़ी आप ये चीज, अब जिसको नहीं आ रहा, जिसको नहीं पसंद, वो नहीं करेगा। आप कुछ सांस लेने का भी सप्लीमेंट यूज करें मेरे भाई, आप सांस नहीं लेते पता है। उरले भलवान ने बड़ा लोया चुके हैं जिंदगी। अच्छा, चोरी यार किड्डी शर्म वाली गल है, कि बाडी बना के ऐसी ऐसी बाडियां बना के बाद कुरी नु कह रहे हुए ऑटो का किराया आपके पास है, मैंने गड़ दिया। अच्छा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस जमाने में तो पहलवान के अखाड़े में जाने की कोई फीस नहीं होती थी ना, आपकी इतनी ज्यादा फीस होती है? वाह, वाईफाई होता है, गाने चल रहे होते हैं, एसी लगे हुए होते हैं, बिल्डिंग ली होती है, उसका रेंट देना होता है, टीवी लगाया उसके ऊपर न्यूज आ रही होती है, खान साहब के धरने अलग चल रहे होते हैं, नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग चल रही होती है। तो ये मेहनत पसीना ही नहीं निकलेगा, तो ये एंटरटेनमेंट चार्जेस उनसे क्यों लेते हैं? आप सिर्फ मसल बिल्डिंग सिखाया करें ना। मैं इंस्ट्रक्ट भी करता हूं, तो फ्री में नहीं कर लेता, उसके पैसे होते हैं। अच्छा वीना जी, एक बात मैं भी आपको बताना चाहूंगी, तुम ये ना सोचो कि पहलवान जी भी फ्री ना के काम सिखाते होंगे सन, इन्हों को पूछो पहलवान जी को, जो को शगीर्द होना आता सी ना, इन्हों नू बोस्कियां दे कपड़े, पांच पांच किलो दी टोकरी, सोने दी अंगूठी। और छटाकी जी, पहलवान जी एक नंबर पट्ठे दिया, एक नंबर पट्ठे दिया। इन्हें पहलवान दे अंदर को और ही ट्रेन फिरन रही है, एक नंबर प्लेटफॉर्म, दो नंबर प्लेटफॉर्म। आपकी ये पहलवानी खानदानी चलती आ रही है या आप ही थे? नहीं नहीं, असि खानदानी लोग है, कोई असि यार नहीं, कोई फसली बटेड़े नहीं है, जिम्मे हड़ा ले इन्होंने खानदानी फंक्शन है। देखो ना कुर्ता अजे भी लेडीज पाया है। अच्छा मैंने देखा पहलवान जी, आप लोग हुकूमत से बड़े नाराज रहते हैं। हुकूमत ने साढ़े लिए कीता की है? हाँ, तो क्यों नहीं ग्रो कर सकी आपकी ये फील्ड? देखे ना, सिर्फ एक गलत जवाब दे दे बिना पहलवान, एक गलत जी, पिछले साल तो लेकर हूं तक शहर लाहौर में कितने अस्पताल बढ़ रहे, बड़े बढ़ रहे, अजे भी मरीजों को बेड तो नहीं मिलता, और जाके अस्पताल वेखो कुर्सियां उत्ते लोकी दाखिल हो, ड्रिपां लगिया ने, हार्ट पेशेंट ने बेचारे कुर्सी उत्ते बैठे हुए ने, और तुहाडे कोल बैड मुक गए ने। अगर तुसी खारे खोले होंगे, अगर तुसी पार्क बनाए होंगे, लोकी तंदुरुस्त होंगे, बीमार ना होंगे। अच्छा पहलवान जी, ये भी तो इल्जाम है ना आप लोगों पे, कि आप अपने अखाड़ों को बेच के मॉडर्न सिविलाइजेशन में शिफ्ट हो जाते हैं। ना 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 ना, अच्छा था झूठे है, सर से इल्जाम आते हैं, और जिथे जिथे साडे खारे है सन, और साढ़े रिंगडोर च आ गए, कब्रिस्तान रिंगडोर च आ गए, और रातों रात इन्होंने कमर चुक के नहरों पार शिफ्ट करती है, फिर लोगों ने उतरा वह देते कि हमे लवाह की कपड़ा नहर तो पार है। ये आप मुबालगे से काम ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो होया भाई जान, होया नहीं, नहीं। कमरा शिफ्ट करती है, तो साढ़े खारे भी चल गए,
ਵਰਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਜਾਣਾ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਹਾਏ ਹਾਏ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਭਲਵਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਣਕਾਰਾ ਫਣਕੂੜਾ ਫਣਕਾਰਾ ਕਦੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟਮੀ ਟੱਕ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੁਟੀਕਸ ਬਣਾ ਲਏ ਕਦੀ ਨੱਕ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਦੀ ਬੁੱਲ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਿਆ 15-16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਆਪਕੋ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਨੇ ਕਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਲੇਟ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਕੜਾਇਆ ਕੁੜੀਏ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਬਾਤ ਲੇਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 5:30 ਵਜੇ ਜਬ ਆਪ ਆਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਮੇਂ ਆਪ ਤਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਉਸੇ ਅੱਖ ਨਾ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਦੇਖੇ ਯੇ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਟਮੀ ਟਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨੋਸ ਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਬਾਡੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਸੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਓਏ ਸੱਤ ਵੜੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾ ਕਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੋਰੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਬਤਾਏ ਮੁਝੇ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਕੈਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਇਸ ਉਮਰ ਮੇਂ ਬਾਡੀ ਬਣ ਸਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਬਣ ਸਕਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਡੂ ਮੋਰ ਹੈ ਓਏ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਉਰਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਐਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਚੁੱਕਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ ਅੱਛਾ ਮਿਸਟਰ ਐਪਸ ਆਪਨੇ ਕਦੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਹੈ ਗਵਾਲ ਬੰਦੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਫੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਕੀ ਸ਼ਰਿਆਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਸੀ ਪੀਆ ਕਰਦੇ ਅਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਣ ਵਾਲਾ ਘੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਲੱਸੀ ਜਦੋਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਪੀਣੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲੇ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਛਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਹੱਥ ਮਲਾ ਮੈਂ ਜੇਨਾਂ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਬੜਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਘੁਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਮ ਫੱਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਥਾ ਵੀਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਮੈਂ ਜਿਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ 40 ਬੰਦਾ ਹੈ 40 ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬਨੋਈ ਕਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਥਾ ਤੇਰਾ ਬਨੋਈ ਕਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਹਮਨੇ ਲੈਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੂੜਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੇ ਦੰਦ ਤੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਿਆਸ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪ ਕਾ ਬਨੋਈ ਫਰੋਡੁਲੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਬਨੋਈ ਫਰੋਡੁਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਮ ਸਭ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਗਾ ਵਾ ਥਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਵਾ ਥਾ ਕਿ ਆ ਦੇ ਦੇਗਾ ਵਕਤ ਤੇ ਆ ਉਰਲਾ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਐਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਗੇ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਜੋੜਾ ਚੁੰਨਾ ਸਾ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਚੁੰਨਾ ਸਾ ਓਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਓਹੋ ਤੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਮੜੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੰਗਲ ਸੰਗਲ ਵੇਖ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੈੜਾ ਬਾਨੋ ਹੈ ਓਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਸੋਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹਾਏ 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 ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਭਲਵਾਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋਤੇ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਹਿਲ ਵੀ ਜਾਤੇ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਆਨੀ ਉੱਥੇ ਲੁੜ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਜ਼ੇਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕਹਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਦੀ ਆਪਕੋ ਕਾਨ ਪੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਪੜੀ ਹੋ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਕਾਨ ਪੇ ਮਾਰਤੇ ਉਸਕੋ ਕੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨੈਪ ਸਲੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਸਲੈਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਗੜੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾ ਪਰੇ ਲਿਖੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੈਪ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤੜੌਲ ਉਸ ਗਿੱਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਉਹ ਗਿੱਬੀ ਉਹ ਯਾਰ ਗਿੱਬੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਥੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿੱਬੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੰਗ ਦਗਾ ਦਗ ਦੰਗ ਦਗਾ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ
पहलवान जी ये तो 302 आप पे पड़ गई। हां नहीं यार गल सुनो मेरा पुत्र ओ बच्चे ओ तुसी वड्डे पहलवान हो उठो भाई। पहलवान जी आप पे केस पड़ गया। ओ किने किने की टैग है आपने की है। ओ अष्टांकी बंदा मारता है काफड़ दे पुत्रा। ओ अष्टांकी ने मारया गए। ओ अष्टांकी कातिल है गए। ओ मेरी अनु छड़े हम फांसी दीती जाए। ओ कातिल है गए कातिल है। आपने किया ये कौन आपने अल्लाह ने हम करे तुसी अपनी फुटेज चेक करो देखते हैं कैसे देखो। और तुसी ब्रेक ले लो जी इस तो पहले इधर पुलिस आ जावे। जो कुछ हुआ है वो तो हमारे पास रिकॉर्ड में है लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। मस्तियाँ में आपको एक मर्तबा फिर वेलकम करते हैं। तैयार हैं आप लोग? जी जी चलिए चलिए इधर ही तैयार होके बैठना है क्योंकि ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं आप सबके लिए। ओके अरे ऑडियंस क्या कहना चाह रही है? और पहला सवाल किसके लिए है जी? मेरा सवाल जफी साहब से है कि अगर आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए तो आप पहला काम क्या करेंगे? छुट्टी करेंगे उधर ने। अरे पूरा दिन छुट्टी करूंगा मैं। किसे मुल्क दा बादशाह इत्थे आना ही नहीं कुछ कोके जेड़ा बादशाह इत्थे आना इहने दुकान लगा देंगे क्या 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 जिन्ना को साडे मुल्क दा सिस्टम खराब है एक दिन में नहीं ठीक करना। एक 100 साल च भी नहीं सीधा होना। एक दिन च मैं की कर लेना इस मुल्क। उस बच्चे ने तो बिना सवाल ही कीता ना तो एक दिन दा वजीर आजम बन भी गया। और अगला सवाल किसके लिए है जी? मेरा सवाल नासिर चिनोटी साहब से है कि अगर आप पाकिस्तान पे फिल्म बनाते हैं तो किस सियासतदान को कास्ट करेंगे और एज ए उनको क्या करेक्टर देंगे? देखो जी साडे जिहड़े सियासतदान ने इन्ना टैलेंट अल्लाह ने दिता होना है। कोई भी सियासतदान देख लो उन्हें हर करैक्टर किया है। लेकिन मैं अगर कहांगा ना कि अगर मैं फिल्म बनावांगा तो मैं हीरो किस नूं लवांगा पूरी फिल्म वेख के एंड ते कह रहा कल फिर देखनी पड़ेगी। क्यों लगा सुखी हो सारी फिल्म वेख के कहना फिल्म अच्छी है गाने सारे ख्याल च ने। वी आर गोइंग टू मीट अगेन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।